हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जब आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो अब एक एम्ब्रियो बन चुका है, वो आपके यूट्रस की लाइनिंग से, यानी बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपकता है, यानी कि आप गर्भ धारण करती हैं, वो एक ही बात है। इम्प्लांटेशन होना, गर्भ धारण होना, या आपकी प्रेगनेंसी होना, प्रेग्नेंट जब आप होती हैं, तो ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो जब ये चीज होती है, जब इम्प्लांटेशन होता है, तो आप क्या महसूस करती हैं? आपको क्या पता चल सकता है कि इस वक्त आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, आप गर्भ धारण कर रही हैं? अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो वो क्या हैं, क्या लक्षण होते हैं इम्प्लांटेशन के, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही अगर आपने वो एक्सपीरियंस महसूस नहीं आप कर पाई, किसी वजह से आपका ध्यान नहीं था, या किसी और वजह से आप वो एक्सपीरियंस मिस कर देती हैं, तो उसके अलावा भी कौन से ऐसे साइंस होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, जिससे कि आप जान सकती हैं कि आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको क्या महसूस होता है जिस पल आप गर्भ धारण करती हैं। तो इसके लिए अगर आपको ये जानकारी होगी कि कौन से दिन एक्चुअली गर्भ धारण होता है, तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे उस चीज को एक्सपीरियंस करने के। सेक्सुअल इंटरकोर्स कितनी भी बार हुआ हो, फर्टिलाइजेशन यानी कि एग और स्पर्म का मिलना तभी होता है जब ओविलेशन होता है। तो ओविलेशन के दिन से हम एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि कब आपका इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद। तो ओविलेशन का दिन कब होता है? जब आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला होता है उसके 14 दिन पहले आपका ओविलेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन उसी के एक आध दिन के अंदर हो जाएगा। अब सब महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये जो 14 दिन का पीरियड होता है ओविलेशन से लेके अगला पीरियड आने तक का, ये जरूर कॉन्स्टेंट रहता है, ये हर महिला में सेम रहता है। थोड़ा बहुत जो अंतर आता है वो फॉलिकुलर फेज में आता है, यानी कि ओविलेशन के पहले के जो दिन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसी की शॉर्ट साइकिल है या किसी की लॉन्ग साइकिल है। लेकिन ये जो बाद का फेज होता है, ल्यूटियल फेज, ये सब में बराबर ही होता है। तो 28 दिन की आपकी साइकिल है तो 14th डे पे आपका ओविलेशन होगा, 30 दिन की साइकिल है तो 16th डे पे ओविलेशन होगा। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकती हैं, जो आपकी साइकिल की ड्यूरेशन है उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जिस दिन डे 1 था आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, डे 1 होता है जिस दिन आपके पीरियड की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसको डे 1 बोलते हैं। तो वहां से 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 दिन की है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि अगर 32 डेज की या 34 डेज की आपकी साइकिल है, तो उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, तो आपको वो अपना ओव्यूलेशन का दिन मिल जाएगा। तो अब ओव्यूलेशन के बाद भी तुरंत इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती है, गर्भ धारण नहीं होता है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब के बाहरी हिस्से में होता है। उसके बाद 2-3 दिन और स्पेंड करता है ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, ये फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है, करीब 3 दिन तक चलता रहता है यूट्रस की तरफ, लेकिन रहता फेलोपियन ट्यूब में ही है। इस तरीके से करीब 3 दिन के बाद ये आपके यूट्रस में पहुंच जाता है, वहां भी ये तुरंत जाके चिपकता नहीं है आपके यूट्राइन वॉल से, ये वहां पे भी थोड़ा ग्रो करता रहता है, डेवलप होता रहता है, और 3 दिन लग सकते हैं उसको यूट्रस में, वो और 3 दिन स्पेंड कर सकता है। इसके बाद जाके वो इम्प्लांट होता है। तो यानी कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है उसके करीब 6 से 7 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर किसी महिला की साइकिल 28 डेज की है, तो उसको अगर हम एक एग्जाम्पल माने, तो 14th डे उनका ओव्यूलेशन होगा, फिर 14 डेज में आप 7 दिन और ऐड कर दीजिए, तब वहां पे इम्प्लांटेशन होगा। तो अगर 28 डेज की आपकी साइकिल है, तो आपका जो पीरियड आया था पहले, जो लास्ट आपका पीरियड आया था, उसके 21st डे पे संभावना है कि आपका इम्प्लांटेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम किसी की 32 डेज की साइकिल है उसको अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उस कंडीशन में उनका जो ओव्यूलेशन होगा वो उनका जो लास्ट पीरियड आया हुआ होगा, उसका जो पहला दिन होगा जिस दिन उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, वहां से अगर हम काउंट करेंगे, तो 18 दिन के बाद 18वें दिन उनका ओव्यूलेशन होगा, जिसकी 32 डेज की साइकिल है। 32 में से हम 14 माइनस कर लेंगे, हमको 18 मिला, तो हम जान सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ होगा, करीब 18th डे। अब 18th डे में आप 7 और ऐड कर लीजिए, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्प्लांटेशन कब होगा। तो 18 प्लस 7, उस केस में 25th डे पे इम्प्लांटेशन
होगा, तो यानी कि जिसकी लॉन्गर ड्यूरेशन की साइकिल है उनमें और देर से इम्प्लांटेशन होगा। तो इस तरीके से अगर 32 डेज की साइकिल है तो वहां 25वें दिन जाके इम्प्लांटेशन होगा। अब जब आपको पता है कि कब संभावना है, किस दिन संभावना है आपके इम्प्लांटेशन होने की, तो अगर आप ध्यान दें तो मे बी आप नोटिस कर पाएंगे कि जिस टाइम पे आपका इम्प्लांटेशन होगा या गर्भधारण होगा तो कुछ आप महसूस कर सकती हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो जो एम्ब्रियो होता है वो आपकी यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है, कुछ ब्लड वेसल्स वहां पे डैमेज होते हैं, वो अपने लिए जगह बनाता है यूट्रस की लाइनिंग में, तो उस टाइम पे थोड़ी हल्की आपको क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। तो इसको इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोला जाता है। ये आपके पीरियड्स के जैसा, कई महिला को जैसा पीरियड में पेन होता है उतना ज्यादा नहीं होता है, हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। साथ ही उस वक्त आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, पिंक या डार्क ब्राउन कलर की, इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है। ये बहुत हल्की होती है, हो सकता है खाली आपको कुछ दाग धब्बे लगे, ये पीरियड के जैसी नहीं होती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन का टाइम और पीरियड आने का टाइम लगभग एक सा ही होता है, थोड़े दिन बाद आपके पीरियड की भी डेट आ रही होती है, तो आपको मे बी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये पीरियड की ब्लीडिंग तो नहीं है। तो उसमें थोड़े अंतर होते हैं आपके पीरियड में और आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में। पहली चीज तो ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है, आपके पीरियड के टाइम पे जितना डिस्कम्फर्ट होता है उससे थोड़ा हल्का क्रैम्प आपको महसूस होता है। इसके अलावा जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो पिंक या डार्क ब्राउन कलर की होगी, जबकि पीरियड का जो कलर होता है वो ब्राइट से डार्क रेड कलर तक का होता है। पीरियड जो होते हैं वो आपके थोड़ा हैवी फ्लो होता है, आप अपने पीरियड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमेशा से आपका पीरियड आता है तो आपके पैड्स फुल होते हैं उस कंडीशन में, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको जब भी होती है तो कभी भी आपका पैड फुल नहीं होगा, केवल हल्की सी थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। जनरली हो सकता है कि एक ही दिन रहे, या किसी किसी में बहुत ज्यादा हुआ तो 3 दिन रह सकती है, लेकिन वो पीरियड जैसी नहीं होती है, बहुत ही हल्की ब्लीडिंग होती है जिसमें आपको पैड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग अलग होती है। तो जब आपका गर्भधारण होता है तो आपको थोड़ा सा क्रैम्प महसूस हो सकता है अपने यूट्रस में, जिस वक्त एम्ब्रियो चिपकेगा आपके यूट्राइन लाइनिंग से, साथ ही आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग या हल्की सी स्पॉटिंग महसूस हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि हर महिला को ये सिम्टम महसूस हो, कई महिलाएं नहीं महसूस कर पाती, नोटिस नहीं करती हैं इस टाइप की सिम्टम्स को। तो उनमें और क्या ऐसे साइंस हो सकते हैं, क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे वो समझ सकती हैं कि हाँ उनका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है? तो इसके और भी कुछ लक्षण आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो जब आपका इम्प्लांटेशन होगा उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट्स में थोड़ी टेंडरनेस महसूस हो सकती है, ब्रेस्ट्स आपको थोड़े भारी महसूस हो सकते हैं, आपके ब्रेस्ट्स में आपको जो नीली नसें होती हैं वो दिखने लग सकती हैं, आपके जो निप्पल होते हैं उनके सराउंडिंग जो एरियोला वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा कलर उसका गहराने लगता है। तो इस टाइप के कुछ चेंजेस आपको ब्रेस्ट्स में अपने दिखने लगेंगे, आपको थकान रहने लगती है अचानक से, पहले नहीं रहती थी लेकिन इम्प्लांटेशन के बाद हो सकता है कि आपके अंदर काफी थकान रहने लगे, और थकान जनरली प्रेग्नेंट होने के बाद एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। आपको थोड़ा ज्यादा लेटने का मन करता है, जल्दी थक जाती हैं आप, थोड़ा सा काम करके भी थक जाती हैं। इसके अलावा आपका जी मिचला सकता है, आपको थोड़ा नॉजियाटिक फील होने लग सकता है, और स्पेशली जब आप खाना बना रही हैं तो जो पकते हुए खाने की खुशबू होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो इस टाइप के सिम्टम्स भी आपकी बॉडी में आने लग जाते हैं। इसके अलावा आपकी वेजाइना में से थोड़ा सा डिस्चार्ज जो है वो बढ़ सकता है। ये भी एक गर्भधारण करने का या प्रेग्नेंट होने का इम्प्लांटेशन के बाद ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपके वेजाइना में से थोड़ा सा डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाए। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। साथ ही जब फाइनली जब आपका पीरियड आने वाला होता है, जो डेट आपकी पीरियड की रहेगी उसमें आपका पीरियड नहीं आएगा, आपका पीरियड मिस हो जाएगा। कई लोग ये पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। अब इम्प्लांटेशन ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन बाय चांस अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि आपको अपने इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स महसूस हुए हैं और आपको ये स्ट्रांगली डाउट है कि ये आपके इम्प्लांटेशन के ही सिम्टम्स थे, तो उसके कितने दिन के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए? उसके आपको 2 हफ्ते के बाद टेस्ट करना चाहिए, यानी कि जब आपको लगता है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है उसके 2 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, तभी ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपका एक करेक्ट रिजल्ट आपको वो प्रेगनेंसी टेस्ट देगा, क्योंकि तब तक जो आपके एचसीजी हार्मोन के लेवल्स होंगे आपकी यूरिन में वो अच्छी मात्रा में पहुंच जाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी किट जो है उसको डिटेक्ट कर लेगी।
क्योंकि ये जो हार्मोन होता है एक्सीजी हार्मोन, ये आपके प्रेगनेंसी के बाद इसकी मात्रा जो होती है वो काफी तेजी से बढ़ने लग जाती है, और ये हार्मोन प्रेग्नेंट महिलाओं में ही मिलता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। और शुरुआती प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा काफी तेजी से बढ़ती है, यानी कि करीब हर अगले दिन ये दुगनी हो जाती है मात्रा। तो इसलिए जब आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, आपको स्ट्रांगली अगर ऐसा लग रहा है कि जो सिम्टम्स आपने महसूस किए हैं वो इम्प्लांटेशन के ही हैं, तो उस दिन के बाद 2 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, या फिर आपका पीरियड जब मिस हुआ है उसके 1 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, या फिर अगर हम ओव्यूलेशन के दिन से काउंट करें तो ओव्यूलेशन के 3 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, या फिर अगर आपने एक बार ही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो इंटरकोर्स के 3 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से जब आपका इम्प्लांटेशन होगा, आपका गर्भ धारण होगा, तो आपको थोड़ा सा क्रैम्पिंग और हल्की सी ब्लीडिंग महसूस हो सकती है उस वक्त, और उसके अलावा अगर आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो आपको थोड़ी थकान रह सकती है, आपकी ब्रेस्ट थोड़े टेंडर हो जाएंगे, थोड़े भारीपन महसूस करेंगी आप, आपकी वेजाइना में से थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ सकता है, साथ ही आपको पकते खाने की महक जो है वो अच्छी नहीं लगती है, और आपको थोड़ा जी मिचला सकता है आपका। तो इस टाइप के ये जो साइंस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि शायद आपका इम्प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, आपने सक्सेसफुली गर्भ धारण कर लिया है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।